बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हादिया कुकिंग से मैं हूँ हादिया। तो आज मैं बना रही हूँ तवा फ्राई फिश। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। उसके लिए मैंने ये फ़िश ली, ये दो पीस मैंने फ़िश के लिए बड़े साइज़ के हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। ये कुटी हुई सूखा धनिया है, इसको मैंने भून लिया था। उसके बाद इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया, ये पाउडर नहीं कूटा हुआ लेना है। और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 टीस्पून ये भी कुटी हुई लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून हल्दी है। अजवाइन, अजवाइन को मैंने रोस्ट कर लिया था, रोस्ट करने के बाद इसको हम डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून है। और लेमन जूस, ये मेरे पास थे 4 लेमन थे, मैंने उनका जूस निकाल लिया था, वो छोटे साइज़ के लेमन थे। और ये पूरा लहसुन अदरक और ये 3 हरी मिर्चें, इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी। लहसुन अदरक को मैंने ग्राइंड कर लिया, इसी में हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी थी, ये तीनों चीज़ें ग्राइंड कर ली हैं। ये सारे मसाले मिक्स कर लें, ऐसे फिश पे लगा देंगे। लेमन जूस, और अजवाइन, अजवाइन को हमेशा हाथ से ऐसे मसल के डालें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, अजवाइन जैसे मैंने डाली है बहुत प्यारी खुशबू आई है। गले बहुत खराब है हम सब के। और इसी तरफ ये सारे मसाले को फिश पे लगा के, तो इसको आप ओवरनाइट के लिए रखते हैं और अगले दिन आप फिश को फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह सारा मसाला लगा के तो आप फिश को रखते, तो फिर इसको हम बाद में फ्राई करेंगे। फिश को रखे हुए ओवरनाइट हो गया, अगर आप फिश को मसाला लगा के पूरे एक दिन के लिए रखेंगी तो फिश बहुत अच्छी सी अंदर तक इसके मसाला जाएगा और ये बहुत अच्छी सी फिश जो है आपकी तैयार होगी। और इसको अब आप चाहें तो इसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करें या घी में या कुकिंग ऑयल में, लेकिन अगर मस्टर्ड ऑयल में आप फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी इसका टेस्ट आएगा। इससे पहले मैंने एक फिश आपके साथ शेयर की थी फ्राई फिश, तो वो भी मैंने मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई की थी, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आप वो रेसिपी भी मेरी ज़रूर देखिएगा। ऑयल को मैंने गरम कर लिया और इसको मैं ऐसे कवर कर दूंगी। जब आप देखें आपकी एक साइड हो गई है तो उसको आप उल्टा दें। इसको मैं दोबारा कवर कर दूंगी, क्योंकि कवर करने से जो फिश है वो बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है। फिश दोनों तरह से फ्राई हो गई, इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके आप इसको जब करेंगे तो अंदर अगर इसके जो भी पानी होगा वो भी सारा ड्राई हो जाएगा। और इसको ढक के आप फिश को फ्राई करें तो ये और अच्छी फिश फ्राई आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, ये टूट रही है, कितनी अच्छी फिश फ्राई हो गई। अब मैं इसको निकाल लूँगी और दूसरी फिश फ्राई करूँगी। तवा फिश तैयार है। इसी रेसिपी से आप फिश को ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें कितनी अच्छी फिश बनी है, क्योंकि मैंने इसको दम पे पकाया था, ये इस तरह टूट रही थी और इसकी एक एक वो जो कहते हैं ना कलियाँ बनी है, ये वो कलियाँ बनी है। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि रेसिपी आज की आपको मेरी कैसे लगी। अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए। अल्लाह हाफिज़।